चलिए देखते हैं इसको, इसे इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सिर्फ साइन होता तब तो आराम से आपके पास सीधे फार्मूला था, सिर्फ कॉस होता तो सीधे फार्मूला था, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में हैं तो आप क्या करोगे। अच्छा ये ऑब्जर्व करिए, दोनों के पास एंगल सेम है, मतलब ये साइन थीटा और कॉस थीटा टाइप का है, तो क्यों ना इसे हम लोग सिंगल बना दें ना, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन टू थीटा कर दें। दैट मीन्स दैट बिकम वन बाई टू साइन ऑफ टू थीटा। टू थीटा का मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया है ना डी एक्स। अब तो ये बड़ा आसान हो गया है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस कॉस होता है, ठीक है। तो क्या लिख दें हम लोग, वन बाई टू टाइम्स माइनस कॉस ऑफ जो भी एंगल है टू टाइम्स ए एक्स प्लस बी। लेकिन और ये इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट एक्स ही हो गया, लेकिन जब भी आप इंटीग्रल लिखते हो और वहाँ पे साइन एक्स ना हो के कोई लीनियर सब्सटीट्यूशन हो, मतलब वन डिग्री एक्सप्रेशन हो, तो वहाँ पे जो एक्स का कोफिशियंट होता है वो वन अपॉन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट क्या दिख रहा है, ए नहीं, ये टू भी अंदर जाएगा तो क्या दिखेगा, टू ए है ना, तो एक्स का कोफिशियंट टू ए है, तो ये नीचे यहाँ पे क्या आएगा, टू ए भी आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, तो फाइनल आपका कितना हो जाएगा, ये टू और टू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो हम इसी स्टेप में लिख दे रहे हैं ना, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं और फिर आंसर देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम अब हमने ऑब्जर्वेशन किया क्योंकि आपका दिमाग है उस समय कैसे चलेगा आपको भी नहीं पता है ना। तो देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो मुझे पता है कि अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ डैश एक्स है, मतलब एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स फॉर्म है। हमने कहा ये फॉर्मेट एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स, लेकिन थोड़ी कमी है। देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का तो कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, लेकिन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आएगा, तो ए हमारे पास मिसिंग है। तो हमने ए क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और बाहर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब क्या होने वाला है, तो हमें पता है कि एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, मतलब साइन की पावर वन है इस समय, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन टू, और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए और प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपका आंसर ये आया, जो आपके प्रीवियस आंसर से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये चांसेस होते हैं कि आपके आंसर्स मैच ना करें, दोनों एक्सप्रेशंस अलग नज़र आ रही हों, लेकिन आप जिनसे पढ़ते हैं, जो सर ट्यूटर टीचर मेंटर जो भी हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या ये दोनों आंसर डिफरेंट हैं या दोनों आंसर आइडेंटिकल हैं, ये पूछ के आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे एक और तरीका देखते हैं और एक और नया आंसर को इनवाइट करते हैं। तो उसी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और यहां पे हमने क्या किया कि ऑर्डर चेंज कर दिया, मतलब कॉस को पहले रख लिया, साइन को बाद में लिख लिया। तो हमें पता है कि कॉस का भी डेरिवेटिव क्या होता है आपका, माइनस साइन होता है, ठीक है। तो माइनस तो हम एडजस्ट कर लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव इस कॉस ए एक्स प्लस बी को अगर हम एफ एक्स मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का साइन ए एक्स प्लस बी माइनस का आएगा, माइनस मिसिंग है तो माइनस हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया बाहर और अंदर, ठीक है। उसके बाद ए एक्स प्लस बी का ए आएगा तो ए भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है ना, तो यहाँ फाइनली माइनस ए हमने एडजस्ट कर लिया, माइनस वन बाई ए यहाँ लिख दिया है ना। तो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। इसका मतलब फिर से ये फॉर्म आ गई एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स। एफ एक्स क्या है, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ डैश एक्स क्या है, ये एक्सप्रेशन है, और एन क्या है, वन है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और प्लस
सी, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू ए कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर फ्रॉम दिस मेथड। अब इन तीनों ही हमने मेथड्स में तीन डिफरेंट आंसर्स ले आए हैं और आपको ये वेरीफाई करना है अपने मेंटर टीचर ट्यूटर से कि क्या तीनों आंसर सेम है या इनमें से कोई एक सेम है या कोई दो सेम है या सारे आइडेंटिकल हैं, ठीक है। ये आपको पता करके, कैसे भी पता हो या आपको खुद पता हो, आपको नीचे कमेंट करना है।